Actually, I wouldn't like to repeat an answer, but the voice messaging of WeChat is definitely unprecedented and unparalleled. Of course, being the face of a brand, you always say, you know, this is what we use, etc., etc. But Varun and I, when we were told about the brand for the very first time, we downloaded it there and then, and we only use WeChat now. So yes, the voice messaging is amazing. The emoticons that are on this chat, they're, I mean, they are hilarious. They are so personal. They are so sweet. You feel like it's a human. You know, it's so sweet. मैं कोई senior actress के साथ flirt करना चाहूँगा, जिसकी ज़रूरत मुझे आमने सामने नहीं होगी, तो शायद कटरीना कैफ. अच्छा. सब लोग पिटेगा. If I had to choose. रणबीर. क्यों रणबीर क्यों? और आपने? Because क्योंकि what are you doing? Why? Sorry. रणबीर because he is my favorite actor, one of my favorite actors in the current generation. So yeah. अच्छा तो हम चलते हैं. फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे. कहा? कल. नहीं परसों. परसों वही जहाँ कोई आता जाता नहीं. That's room 380. I'll see you there. The voice chat, I think, वो एक ऐसा फीचर है जो किसी एप्लीकेशन में नहीं है. एंड सबसे ज़्यादा सी द रीज़न हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ताकि हमें कन्वीनियंस मिले. एंड वॉइस मैसेजिंग बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट फीचर है वी चैट का. नॉट ओनली मी, एक्चुअली हम सब जिन्होंने एक दो साल में डेब्यू किया है, हम सब टचवुड बहुत मेहनत कर रहे हैं. एंड द गुड थिंग इज़, मैंने पहले भी ये कहा है कि उसका फल थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है. हमारी ऑडियंस जब तक हमें देखना चाहेगी, हम तभी तक रह सकते हैं. एट द मोमेंट वो हमें देखना चाह रही है. आई जस्ट होप फॉर ऑल आवर सेक कि वो हमें देखना कंटिन्यू करें.